So the first question is that the term behaviorism was first given by जो शब्द है बिहेवियरिज्म वो सबसे पहले इसको हिंदी में कहेंगे आचरणवाद, बिहेवियरिज्म यानी आचरणवाद पहली बार किसके द्वारा दिया गया। और आपके ऑप्शंस है डेविड आसुबेल, ई एल थोंडाइक, बी एफ स्किनर और जे बी फोर्डसन। द टर्म बिहेवियरिज्म वॉज फर्स्ट गिवन बाय, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, थोड़ा सोच के बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा जे बी वॉटसन। जी हाँ दोस्तों, जो आचरणवाद है बिहेवियरिज्म है वो टर्म सबसे पहले जे बी वॉटसन के द्वारा दिया गया और यह शब्द आचरणवाद पहली बार जे बी वॉटसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। और ये जो थ्योरी है इसमें मानव आचरण द्वारा बाह्य परिस्थितियों को अपनाकर या अनुकूल बनाकर सीखा जा सकता है। ये इस थ्योरी पे एम्फेसिस करता है, बल देता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट क्लियरली सीन इन एडोलेसेंस। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट क्लियरली सीन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में निम्न में से कौन सी विशेषता क्लियरली नहीं देखी जाती है। तो ऑप्शन वन जो है आपका वो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑप्शन टू है रिलेटिवली हायर एबिलिटी ऑफ प्रॉपर सॉरी ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग, ऑप्शन थ्री है कॉन्क्रीट थिंकिंग, ऑप्शन फोर है या डी बोल दो आप कैपेबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज एंड ग्रेटर एबिलिटी ऑफ मेमोरी एक्सपेंशन। तो किशोरावस्था में निम्न में से कौन सी विशेषता देखने को नहीं मिलती है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग। जी हाँ, किशोरावस्था में प्रत्यक्ष सोच या सही सोच नहीं देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसर्न ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू, द कंसर्न ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू। ऑप्शन वन है डेवलप हाई अर्निंग पर्सन, ऑप्शन बी है डेवलप रिलीजियस पर्सन, ऑप्शन सी है डेवलप वेल एडजस्टेड पर्सनालिटीज, ऑप्शन डी है आइसोलेट मेंटली सिक पर्सन। तो मेंटल हाइजीन इट मीन्स मानसिक स्वच्छता यानी अच्छे विचार का संबंध किनसे है इनमें से। तो ऑब्वियसली अच्छी मानसिकता या अच्छे विचारों का संबंध अच्छी तरीके से समायोजित व्यक्तित्व के विकास से ही है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन सी है डेवलप वेल एडजस्टेड पर्सनालिटीज, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर। आपको इनमें से जो करेक्ट पेयर नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है गेस्टॉल्ट जो कि दिया गया है कोहलर, और फंक्शनलिज्म जिसका दिया गया है जॉन डीवी। ये थ्योरीज है ठीक है, फंक्शनलिज्म है जॉन डीवी दिया गया है, बिहेवियरिज्म है इसका वॉटसन दिया गया है, और स्ट्रक्चरलिज्म है इसका थोंडाइक दिया गया है। तो आपको चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर। तो सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, गेस्टॉल्टवाद का संबंध कोहलर से है, फंक्शनलिज्म जॉन डीवी से ही रिलेटेड है,
बिहेवियरिज्म वॉटसन से ही रिलेटेड है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म थोर्नडाइक से रिलेटेड ना होकर ये है जो आपके विलियम वुंड थे, ये उन्होंने उन्होंने दिया था ये वाला थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपका विलियम वुंड द्वारा दिया गया था। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट, किसने लिखा है, लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मेन्स कनेक्शन सिस्टम। लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मेन्स कनेक्शन सिस्टम, ये एक कोटेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 में कोटेशन दी गई है, एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन से आपके पास थोर्नडाइक, स्कीनर, पावलो और कॉफका। तो हु रोट लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मेन्स कनेक्शन सिस्टम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहा था थोर्नडाइक ने। जी हाँ, ये कोटेशन थोर्नडाइक का है, लर्निंग इज कनेक्टिंग द माइंड इज मेन्स कनेक्शन सिस्टम। ये आपको याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम आने वाला है जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, द थ्री मेजर एस्पेक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर, द थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर, ऑप्शन नंबर ए है स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन नंबर बी है इड ईगो एंड सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअल फैमिली एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी है थॉट्स बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। तो जो थ्री मेजर एस्पेक्ट हैं मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के, तीन मेजर एस्पेक्ट्स किनको माना जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी थॉट्स है, यानी अगर आपके आपके विचार अच्छे हैं तो आपका मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, बिहेवियर अच्छा है और फीलिंग्स अच्छी है, ये तीनों ही अच्छे होने चाहिए, विचार, आचरण और भावनाएं, ये नैतिक विकास के मूल पहलू माने गए हैं, मॉरल डेवलपमेंट के ये मेजर एस्पेक्ट माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डेट, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया गया है मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है या ऑप्शन नंबर 4 इसको कह दें इमोशन। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू, जो ज्ञानार्जन है, जो अधिगम है, वो किसके थ्रू होगा या किसके थ्रू चेंज होगा, किसके थ्रू परिवर्तन होगा? तो गाइस, अधिगम जो है आपका वो आचरण और व्यवहार की गतिविधियों और अनुभव द्वारा आंशिक परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस इज करेक्ट आंसर। एक्टिविटीज यानी गतिविधियां और एक्सपीरियंसेस, अनुभव के थ्रू ही आपको अधिगम होता है, ज्ञान मिलता है, ना कि हालांकि इसमें मैच्योरिटी भी अपने को ठीक लगता है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज डेट, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी देर आर सम प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ग्रुपिंग, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी देर आर सम प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ग्रुपिंग विच और द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ग्रुपिंग में से जो अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी है, तो इन्होंने तीन मेजर जो है प्राइमरी फैक्टर्स माने गए हैं, तो तीन में से एक फोर्थ भी दिया गया ऑप्शन में, उसको जो कि रॉन्ग है उसको आपको अलग करना है।
ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन नंबर सी है सिमिलैरिटी, ऑप्शन नंबर डी है सिंप्लिसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसमें प्रॉक्सिमिटी भी सही है, सिमिलैरिटी भी सही है और सिंप्लिसिटी भी सही है, ये तीनों आपको याद रखना है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता तो इसके वर्गीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जटिलता। गेस्टाल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो वर्गीकरण किया है प्राइमरी फैक्टर्स जो हैं, तो उन्होंने ये तीन ही माने हैं, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और सिंप्लिसिटी। ये आपके फर्स्ट ईयर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने के चांसेस जो आपके जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज डेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू रेनफोर्समेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को हिंदी में कहें तो सुदृढ़ीकरण। तो जो सुदृढ़ीकरण की प्रोसेस में है, जो सुदृढ़ीकरण की प्रोसेस होती है, उनमें से आपको छाटना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रेनफोर्समेंट को लेकर। बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो द ऑप्शन नंबर ए, द इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट आर ऑटोमेटिक। हाँ सही है, ऑटोमेटिक होता है रेनफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर बी इज डेट नेगेटिव रेनफोर्समेंट डिसकंटिन्यू अनवांटेड बिहेवियर। हाँ सही है। ऑप्शन नंबर सी इज डेट रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू द डिजायरेबल बिहेवियर, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबोव। तो जो आपकी सुदृढ़ीकरण की जो प्रोसेस है उनमें ये तीनों ही सही माना जाएगा, तो आपको याद रखना है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट अ मैन रिफ्लेक्ट्स हिज एंगर फ्रॉम हिज बॉस टू हिज चाइल्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अ मैन रिफ्लेक्ट्स हिज एंगर फ्रॉम हिज बॉस टू हिज चाइल्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई आदमी अपने बॉस का गुस्सा, ऑफिस में अगर बॉस ने किसी आदमी को डांटा है और वो अपने बॉस का गुस्सा घर जाकर अपने बच्चे पर निकालता है, ठीक है, ऑफिस में डांटा बॉस ने लेकिन गुस्सा निकला घर जाकर बच्चे पर, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? ऑप्शंस है प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है आपका डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको बताना है, वैसे इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारी का क्रोध अपने बच्चे पर उतारता है तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी इंग्लिश के लिए, और जो एग्ज़ाम आपके फर्स्ट ईयर का जनवरी में होने जा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सारे क्वेश्चंस। और हम ऐसे ही 10 10 क्वेश्चन हर वीडियो में करते जाएंगे, तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।